वैक्सीनेशन लगाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं का टीकाकरण नवादा में शुरू हो गया। डीएम यशपाल मीना ने सदर अस्पताल में कोविड टीकाकरण सेशन की शुरुआत फीता काट कर की। पहले दिन वैक्सीनेशन के लिए युवाओं की भीड़ सदर अस्पताल में उमड़ पड़ी। डीएम ने कहा कि सदर अस्पताल सहित सभी पीएचसी में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यह पूरी तरह से सुरक्षित है। डीएम ने लोगों से अपील किया कि जो लोग वैक्सीन का पहला डोज ले चुके हैं वे दूसरा डोज भी ज़रूर लें ताकि कोविड के संक्रमण से बचा जा सके। नेशन न्यूज़ के लिए नवादा से विकास कुमार की रिपोर्ट। वैक्सीन ले लिए हैं क्या? हाँ, ले लिए। कैसा महसूस हो रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही हो गया। लिए क्या? कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, जो वैक्सीन नहीं लगवाए उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? कंफर्टेबल फील हो रहा है। देखिए, आज से जो जिला भर में जो 18 प्लस जो एज ग्रुप में जो नए बच्चे सब हैं उन सबका वैक्सीनेशन वगैरह चालू हुआ और सभी जो पी एच ईज हैं पूरे नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन सब में ये वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आज प्रथम डोज जिन लोगों ने लिया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो सेकेंड डोज की जब बारी आए तो उसको जरूर लें और किसी भी प्रकार के इसमें बिल्कुल सुरक्षित ये वैक्सीनेशन है। और आप सभी के माध्यम से मैं पूरे जिलावासियों से भी एक ये अनुरोध रहेगा मेरा कि वैक्सीनेशन लेने में कतराएं नहीं और आगे से बढ़कर अपना वैक्सीनेशन लीजिए ताकि हम लोग जो ये कोविड का जो महामारी है उसे बच सकें। और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ पे नवादा ये सदर हॉस्पिटल के अंदर है और सभी जो हमारे 14 पीएचसीज हैं अलग अलग प्रखंड के अंदर वहाँ पे जाके वैक्सीन ले सकते हैं। 18 प्लस वाले जो हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हर पीएचसी के अंदर हम लोगों ने स्लॉट बनाया है तो स्लॉट के अनुसार आप लोगों को वेबसाइट पे जो कोविन रजिस्ट्रेशन है selfregistration.covin.gov.in वेबसाइट है और इसके अलावा आप लोग जो आरोग्य सेतु जो ऐप है उसके माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने संबंधी जो नियरेस्ट जो पीएचसी है उस पर पहुँच के अपना वैक्सीन ले सकते हैं।